अखिल कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने स्थानीय विधायक व मंत्री पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय स्वीकृत योजनाओं का झूठा श्रेय लिया जा रहा है, जबकि लगभग 3 साल इन योजनाओं का काम जानबूझकर रोक रखा था। ये बात धर्माणी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कांग्रेस ने पहले भी इन परियोजनाओं के पक्ष में, जिनमें सड़कें, पेयजल टैंक आदि हैं, आवाज उठाई थी, जो अब सच साबित हो रही है कि इन योजनाओं कुछ का काम जानबूझकर रोक रखा है, जिनमें 2 सड़कें प्रमुख हैं, एक मुहड़ा सुनाली माकड़ा शुक्रगढ़ से जाने वाली सड़क लगभग 7 किलोमीटर और दूसरी पटियागल डोरू दुदोल कला पट्टा तक, जो लगभग 7 किलोमीटर स्वीकृत है। कुछ साल पहले 2018 करलोटी के जनमंच में भी इस सड़क के मुद्दे को उठाया गया था, तो विभाग के आला अधिकारियों ने कार्य को 10 दिन के भीतर शुरू करने का आश्वासन दिया था, पर वह कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ। इन सड़कों की नाबार्ड के तहत स्वीकृति 2017 को मिल गई थी, पर जानबूझकर काम को विधायक के इशारों से रोक रखा है। और आरटीआई से ली गई सूचना, जो 28 सितंबर 2020 को ली गई है, इस मोहड़ा सुनाली माकड़ा शुक्रखड़ पर विभाग के द्वारा 1,85,16,000 रूपए खर्च कर दिए गए हैं, पर धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जबकि इस सड़क का टेंडर कुल 3,51,62,000 रूपए में हुआ था, जबकि दूसरी सड़क पड़ियालग डोरू ददोल कला छदो पट्टा, जो लगभग 7 किलोमीटर बननी थी, जिसका टेंडर विभाग ने 4,18,72,000 रूपए में किया गया था, उस पर भी 31 मार्च 2020 तक 1,75,00,000 रूपए खर्च कर दिए गए हैं, पर मौके का काम लटका हुआ है। विधायक व उसके सहयोगी लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि अब नए सिरे से काम होगा और जो पैसा आया था वह वापस हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि जो काम 2017 में कम पैसों में हो जाना था, अब वह और ज्यादा पैसा विभाग को खर्च करना पड़ेगा। मंत्री व उसके सहयोगी जानबूझकर लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से महरूम कर रहे हैं, जिससे लोग भी अब अनभिज्ञ नहीं रहे हैं। धर्माणी ने कहा, कांग्रेस क्रमवार एक एक करके हर बात का खुलासा करेगी, जिसे भाजपा के लोगों ने लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से महरूम कर रखा है, तथा विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। तो खर्चा पोस्ट किया है HMPWD द्वारा, उस खर्चे के मुताबिक जो मोहड़ सुनाली माकड़ा गालियां शुक्रखड सड़क है, जिसके ऊपर 3,58,62,000 रुपये खर्च होना था, तो 31 मार्च 2020 तक इस पर जो खर्चा दर्शा है वो है 1,85,16,000 रुपये। तो अब ये सूचना मिल रही है कि धरल पे शुरू नहीं हुआ और खर्चा जो है उसमें 1,16,000 रुपये हो चुका है। दूसरी सड़क पे डूम रानी दधोल का पटन चूत की जो सड़क है, इस पे 1,75,00,000 रुपये जो है वो दर्शाया है कि वो 31 मार्च 2020 तक खर्च हो चुका है। इम्पोर्ट थे कॉन्ट्रैक्ट ने शुरू करने के मशीनरी डिप्लॉय कर दी थी, मटेरियल स्टैक कर दिया था, पर जब जनमंच हुआ तो वहाँ पे जो वन स्वास्थ्य मंत्री हैं ये सर जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे, और जब लोगों ने वहाँ पे ये प्रश्न उठाया था तो उन्होंने SPDW घुमारी को कहा कि आप इसका उत्तर दें। मंत्री ने SPDW ने कहा कि दिन के अंदर अंदर काम शुरू किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि जानबूझ करके जो है इन कामों को लटकाया गया, जबकि उसमें लगभग 90% जमीन जो थी वो ही भूमि लोगों ने दम है, और अब जो है लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य कभी कहते हैं कि वापिस हो गया, अब नशे से हम पास स्वीकृत कराएंगे, कभी कहते हैं कि जो 3 हिस्सों में बांटेंगे, अलग अलग झूठे जो है वो एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ जो है वो बोले जा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से हम तक भी ये बात पढ़ना चाहते हैं, स्वीकृत कम है उन्हीं को हेर फेर करके उनको लटकाया जा रहा है। ऐसी ही तो है धोल रोड़ा रखी थी उसको लट गया, जो अनाउंसमेंट की कि हम उसमें पैसे दे रहे हैं, तो अगर पैसे दिए उसके कहाँ है जो है वो हमारे मसले की जो थे दोनों धोल रोड़ा की और जो नाका गालियाँ की थी, मतलब उसमें 16 भी काम हो चुका था, सिर्फ उसमें मिटली काम होना था। और अचानक 250 जब लोगों का प्रेशर बना और मंत्री भी वहाँ जाके बड़ा घोषणा की, मैं इसके लिए पैसे की घोषणा करता हूँ, हमने प्रश्न माध्यम से ये पूछा कि इसमें वो नेक्स्ट दिलाई वो लोग सामने रखें, लेकिन सके हमने इनका उद्घाटन एकदम भूमि पूछते थे समक्ष 200 मीटर 300 मीटर हमने इनसे
वित्तीय स्वीकृतिताएं कहां हैं, वन विभाग की भूमि पीड़ो के क्षेत्र हुई उस बारे में स्थिति बताया, क्योंकि नागरिक को तो अब आके जो है वो करें और जहां खट्टे लगाना है वहां जो है वो सारे नियम उनको ताकत जो किया है। तो दो तरह के होंगे, तो ये हम आपके मन से सरकार और लोगों तक इस बात को लाना चाहते हैं।